रुड़की लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन के पास बाणगंगा नदी के पुल पर रुकी ट्रेन में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन से उतरे और पुल के किनारे से जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस जैसे ही रायसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी किसी ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। चेन पुलिंग होते ही ट्रेन बाणगंगा नदी के ऊपर जाम हो गई और ट्रेन के ब्रेकों से धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई। आग लगने की सूचना फैलते ही यात्रियों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इस समय बाणगंगा नदी उफान पर बह रही है और यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन से उतर गए। ट्रेन के सहारे पुल से यात्री अपनी जान बचाकर निकलते हुए नजर आए। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बेमुश्किल ट्रेन के ब्रेक ठीक करने के बाद ट्रेन को चलाया। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे ट्रेन बाणगंगा पुल पर खड़ी रही और यात्रियों में चीक पुकार मची रही। जिधर देखो उधर यात्री परेशान नजर आए। कुछ यात्रियों ने तो जान बचाने के चक्कर में पानी में ही छलांग लगा दी। किसी स्थानीय निवासी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।